हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे कि एलटी की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि जो पार्ट मैंने आपको पहले भी जो पिछला वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि एलटी की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, ठीक है, उसके लिए मैंने आप लोगों को हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलटी एग्जाम उसमें आप लोगों को बताया था कि आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। अब कुछ लोगों ने मुझे बताया पूछा कि हमें किस तरह के शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 82 पेजेस हैं और 82 पेजेस में ये सारे नोट्स आप लोगों को दिखाई देंगे। अब सबसे पहले तो टॉपिक्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, खुद से भी इसी तरह से आप चीजें कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ये साहित्य अकादमी जो अवार्ड्स हैं वो आप लोगों को इसी सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में अगर आप लोग लिख लेंगे, और क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कि कब मिला और कौन सा वर्क था, किसका वर्क था और वो किस जनरा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कौन से पार्ट से, लाइक यू कैन सी 85 collected poems, Kamala Das and poetry. Rich like us in 1986. तो इस तरह से आपको एक sequence में इसे कर लेना है। अब आ जाते हैं नीचे, कुछ और भी चीजें हैं जहां से कि आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप पूरे अपने जो साहित्य अकादमी करने के बाद में, अब दूसरी जो लिस्ट है ये है आप लोगों की पेन नेम्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये पेन नेम्स आप लोगों को पता होने चाहिए क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चंस आप लोगों बन जाते हैं। मींस हर सेक्टर से लगभग एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा, तो आप जब तैयारी करेंगे तो ये कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि हु इज कॉल्ड लाइक फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इज कॉल्ड विलियम टिंडल एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री इज कॉल्ड जियोफ्रे चौसर, ठीक है, काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पर है कि फादर ऑफ एसे किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका माउंटेन को, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को, जिन्होंने एसे फॉर्म को एक तरह से बहुत सिग्निफिकेंट फॉर्म बना दिया, इंपॉर्टेंट फॉर्म बना दिया। तो ये है आप लोगों की नेक्स्ट लिस्ट। आप लोगों काफी काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर आप लोग से कर पाएंगे, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो 5000 प्लस कार्ड्स मेरे पास अभी भी इंग्लिश लिटरेचर के पड़े हैं। जब तैयारी कर रहा था तो ये सारे कार्ड्स मैंने अपने बनाए थे, तो आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे फिलोसोफर पोइट किसे कहा जाता है, यूनिवर्सिटी पोइट्स किसे कहा जाता है, यूनिवर्सिटी पोइट किसे कहा जाता है, जबकि यूनिवर्सिटी विट्स अलग है और यूनिवर्सिटी पोइट किसे कहा जाता है, जेम्स मैकॉले। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। राइटर्स राइटर किसे कहा जाता है, कैथरीन मैंसफील्ड को कहा जाता है। पोइट ऑफ लिबर्टी एसी स्वाइनबर्न को पूछा को बोला जाता है, ही इज कॉल्ड, ऑलराइट, लाइक मिथोपोइक पोइट जीन जे मैकफर्सन, ही इज कॉल्ड मिथोपोइक पोइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। अगेन नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। हियर some of the special titles of the writers, like the late poet William Wordsworth, there are three more poets. लेकिन आप लोग इसे देख सकते हैं आगे, जैसे John Milton को epic poet कहा जाता है and John Milton को great master of words कहा जाता है, alright? So John Milton, lady of the Christ College, किसको कहा जाता है, poet of the Devil's Party, ये किसको कहा जाता है, जॉन मिल्टन को। अब जॉन मिल्टन की जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था पोइट्स ऑफ डेविल्स पार्टी किसने जॉन मिल्टन को कहा था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की ये नोट्स हैं, आप लोगों को मिल जाते हैं और इसी तरह से आप लोग अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सब टाइटल्स, जैसे कि कुछ है, जैसे आर्केडिया है, ठीक है, या आर्ट्स पोइटिका है, मदर हबार्ड्स टेल है, तो इस तरह से इनका टोटल्स मिस लेनी, ये आप लोगों के क्या है सब टाइटल्स आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि द रेप ऑफ लॉक बहुत फेमस है, अ हेरोइक कॉमिकल पोएम इन फाइव कैंटोस, ये अलेक्जेंडर पोप ने इसे लिखा था। तो इस तरह के जो नोट्स हैं अगर आपके पास में होते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसे स्पेनिश ट्रेजेडी,
हियरोनिमो इज मैड अगेन, ये उसका सब टाइटल है. ओके, सब टाइटल इट इज. एंड नाउ ऑथेलो, ऑथेलो द मूर ऑफ वेनिस, बहुत फेमस है. नाउ नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं जो फिक्शन. एंड लाइक दिस वी हैव अनदर फाइल, एक और फाइल इसके साथ में मैंने अटैच की है. दो फाइल आप लोगों की है, एक ये वाली है शॉर्ट टिडबिट्स की, और एक और शॉर्ट फाइल है जिसमें कि 100 आप लोगों को, 100 पेजेस फाइल जिसे मैंने बताया था आप लोगों को और कोर्स में आप लोगों को दिया था. तो आपको करना क्या है इसमें, ये एक पार्ट है आपकी तैयारी का. और इसमें आप क्या करेंगे कि डेली अगर 20 मिनट्स भी देते हैं इस फाइल को, तो 30 डेज में आपको लगभग 1000, अगर हम मान के चले फैक्ट्स अगर लर्न हो जाते हैं और जो आपने इससे पहले नहीं किए थे, तो तैयारी में थोड़ी सी और जान आ जाती है. तो इसके बाद आ जाते हैं विनर्स ऑफ बुकर प्राइज. बुकर प्राइज के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, और बुकर प्राइज के भी आपको लिस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से ऐसे मिल जाएगी नीचे को. ठीक है, मेन बुकर प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, कब कब मिले हैं, किस किस को मिले हैं, वो आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से आगे अगर हम नीचे चलें, और काफी सारी लिस्ट है. सो आई थिंक आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि अलग अलग की सब टाइटल हो गया आपका, पेन नेम्स हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, बुकर प्राइजेस हो गया आपके. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग एक लिस्ट बना लेंगे. और अगर आपके पास में 20 to 25 लिस्ट आप लोगों ने बना ली, या जैसे इंपॉर्टेंट कोटेशंस हो गए, इंपॉर्टेंट कोटेशंस आप लोग तैयार कर लीजिए, उनको आप कॉपी करके रख लीजिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी आपकी तैयारी में. और एक सामने मटेरियल होगा तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे. सो होपफुली एक इसमें से अभी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उसे अपलोड करूंगा. ये तो जस्ट आंसर था कि हमें क्या तैयारी करनी है. पिछले एलटी वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे. ठीक है, तो ये है. और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा. और कमेंट आप लोग व्हाट्सएप में प्राइवेट मैसेजेस करते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो में कमेंट कम दिखाई देते हैं, तो आप लोग वीडियो में भी कमेंट कीजिएगा, वहीं आप आंसर पूछ लीजिएगा, पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो व्हाट्सएप में कमेंट करने के बजाय, व्हाट्सएप में आके कि आपकी वीडियो अच्छी थी या ये लिखने के बजाय, आप अगर 10 कमेंट्स यहाँ करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, मीन्स वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाएगी, तो हमें भी अच्छा लगेगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो.